गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसे कि आप देख सकते हो, हम सिलीगुड़ी में हैं। सामने सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन है उधर, और अभी हम होटल रूम में अपने आज हम घूमने जा रहे हैं मिरिक। मिरिक में दो तीन अच्छी जगह हैं, आज हम मिरिक जाएंगे। वैसे मिरिक से आगे दार्जिलिंग भी जा सकते हैं, बट हम थोड़ा लेट हो गए, ऑलरेडी 10:30 हो गए और यहाँ अंधेरा जल्दी होता है। सो बस हम मिरिक जाके वापस आ जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में हम मिरिक का दिखाएंगे आपको, वहाँ पे लेक वगैरह है अच्छी, और कल हम फिर दार्जिलिंग साइड जाएंगे। सो वो थोड़ा आई थिंक लंबा ब्लॉग होगा, बट आज भी हम इन्जॉय करेंगे, पहाड़ आएंगे, थोड़ा बीच में हम वाटरफॉल ढूंढ रहे हैं, वाटरफॉल मिलेगा तो हम रुकेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे। सो देखते हैं, इंटरेस्टिंग डे अहेड, चलिए मिलते हैं। सामने निकल रहे हैं हम, आप देख सकते हो भयंकर ट्रैफिक है इधर, और इधर बोर्ड भी आ गया, बागडोगरा 12 किलोमीटर, कलकत्ता 578, कुरसोंग 45, दार्जिलिंग 77। सो हम दूसरे रास्ते से कल दार्जिलिंग जाएंगे। सो आज हम मिरिक जा रहे हैं। मिरिक का बोर्ड नहीं है यहाँ पे, बट वो सुंदर जगह है पहाड़ की। सो चलिए इसे पार करते हैं। ये तो सिलीगुड़ी शहर है, कुछ खास है नहीं, आगे जाएंगे थोड़े अच्छे व्यूज़ आएंगे तो आपको भी दिखाएंगे। ये हम पहले हिलकार्ट रोड से सीधा आ रहे थे, अब हमने फिर एक राइट लिया इधर। अब ये क्या रोड है मेरे को नहीं पता, इसमें लिखा भी नहीं है कि बस 22 किलोमीटर तक इसी रोड पे जाना है, बट ये वो रोड है जो सीधा मिरिक जाती है। मिरिक जाने के भी दो तीन रास्ते हैं, मतलब जो हमने लिया ये शॉर्टेस्ट वाला है, जो सबसे कम टाइम बता रहा था अपने को, मतलब 1.5 आवर्स बता रहा था ये है। और हम क्या है, पहले एक नदी में जाएंगे, मतलब थोड़ा एक पिकनिक स्पॉट करके कोई जगह बता रहा था नदी के पास, सो हम पहले वहाँ जाने की सोच रहे हैं और फिर वहाँ से मिरिक जाने की सोच रहे हैं। अब हमारा इमीडिएट प्लान है नाश्ता करने का, हमने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया। सो कहीं पे देखते हैं यहाँ पे कहाँ नाश्ता मिलेगा, कुछ अंडा ब्रेड टाइप मिल जाए, चाय मिल जाए, या कुछ भी, चलो जैसा भी, मतलब अच्छा कुछ ढंग का मिल जाए, रीजनल तो खाते हैं। तो चलिए नाश्ता ढूंढते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर वाटरफॉल, मतलब वाटरफॉल तो नहीं, नदी के किनारे जाएंगे। अब फाइनली हमारा मैप इसको मिरिक रोड बता रहा है, मतलब ये बोल रहा है ऋषि रोड मिरिक रोड। सो पता नहीं ये कहीं ऋषि विषि से आके मिरिक जा रही होगी शायद, इतना मुझे भी नहीं पता, बट हाँ फाइनली ये बोल रहा है कि मिरिक रोड है। चलिए अब चलते आगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि अपने को, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर चलते हैं। जा रहे हैं सिलीगुड़ी से मिरिक की ओर, और आप देख सकते हो पूरा हरा भरा अच्छा एरिया आ गया है, खाली खाली रोड है, ये शायद आर्मी का एरिया है शायद, इसलिए अच्छी रोड है। आर्मी ट्रक जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है ये। सिलीगुड़ी इंडिया का सबसे कमज़ोर हिस्सा माना जाता है आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज़ ये चिकन्स नेक कॉरिडोर पड़ता है यहाँ पे, मतलब एक बहुत पतला 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिससे सारा सप्लाई, रोड, ट्रेन सब निकालनी पड़ती है, क्योंकि एक साइड आ जाता है बांग्लादेश, एक साइड आ जाता है नेपाल, ये गाय ने डरा दिया। इसलिए बहुत क्रिटिकल एरिया है, इसलिए शायद यहाँ पे आर्मी का इतना प्रेजेंस है और वो ज़रूरी भी है। चलिए अब तो सुंदर है, अब हमें सामने हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे हैं, हमारा कैमरा पता नहीं आपको कितने अच्छे से दिखा पा रहा है, आई डाउट इट, बट हमें पहाड़ दिख रहे हैं। सो अब पहाड़ चढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे। बाहर आ गए और ये आप देख सकते हो एकदम हरा भरा एरिया आ गया, ये पूरा आर्मी एरिया है इधर, कैंट एरिया लग रहा है यहाँ पे। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो सिलीगुड़ी जो है बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट जगह है इंडिया डिफेंस के लिए, स्पेशली आर्मी वगैरह के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चिकन स्नैक कॉरिडोर आता है, मतलब जैसे मुर्गा होता है ना, मुर्गा की जो ये होती है क्या बोलते हैं गर्दन, वो एकदम पतली होती है। सो ऐसे ही कहा जाता है इस एरिया को चिकन स्नैक, इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का एक बहुत पतला हिस्सा है, यहाँ पे बस 20 किलोमीटर है बीच में, जहाँ पे एक साइड में आ जाता है बांग्लादेश, एक साइड में आ जाता है नेपाल, और बस बीच में एक छोटा सा 20 किलोमीटर का रोड, मतलब वो है एरिया है, जिससे सारी रोड, सारी ट्रेनें, मतलब सब कुछ इंडिया को वहीं से निकालना पड़ता है, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि पूरा आर्मी का जो सप्लाई जाना है और जो भी चीज़ें जानी है, मतलब आर्नामेंट्स जाने, उन सबको इसी 20 किलोमीटर के स्ट्रेच से जाना होता है। सो इसलिए बहुत क्रिटिकल एरिया माना जाता है। कभी आपने मैप भी देखा हो तो आपको दिखेगा कि नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए एक बहुत पतला सा स्ट्रेच आता है सिलीगुड़ी के पास, और उससे पार करने के बाद फिर नॉर्थ ईस्ट खुल जाता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आ जाते हैं। सो हम चिकन स्नैक के आसपास से ही निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ आर्मी प्रेजेंस बहुत है। सो चलिए अब हम चलते हैं आगे पहाड़ों की ओर। सुकना का बोर्ड आ गया है यहाँ पे सिलीगुड़ी से मिरिक जाते हुए। सुकना मैंने बहुत बार सुना है आर्मी रिलेटेड में, यहाँ आई थिंक बहुत बड़ा कोई कॉप्स है, आई थिंक जितना मुझे समझ आया था कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के लिए जो स्ट्राइक कॉप्स बनी थी, एक आयन पहाड़ में लड़ाई करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड डिवीज़न बनाई गई थी कुछ साल पहले चाइना फ्रंट के लिए, आई थिंक उसका सुकना हेडक्वार्टर था शायद, मेरे को 100% नहीं पता, बट ये आर्मी के उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मुझे वही लग रहा है कि जो नई आर्मी की माउंटेन डिवीज़न आर्मर्ड स्ट्राइक कॉप्स बनी थी वो यहीं पर बेस्ड है शायद।
वो स्पेशली चाइना थिएटर के लिए है, मतलब स्पेशलाइज्ड है, क्या बोलते हैं, माउंटेन वॉरफेयर में, मतलब पहाड़ी लड़ाई के लिए स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई गई थी वो, और स्पेशली स्ट्राइक कॉप्स थी। स्ट्राइक कॉप्स क्या होती है, दुश्मन के अंदर जाके मतलब मारती है, मतलब आर्मी में भी अलग अलग होते हैं कॉप्स, कई होते हैं जो थोड़े डिफेंस के लिए ज़्यादा बने होते हैं। स्ट्राइक कॉप्स आप बनाते हो दुश्मन के अंदर घुस के स्ट्राइक करने के लिए और आगे जाने के लिए। अब सो सुकना आई थिंक उसी का है। तो चलिए अब हम निरिक के आसपास तो नहीं है, दूरी है, बट पहाड़ दिख रहे हैं सामने, सो पहाड़ पे चल के आपको अब कुछ दिखाते हैं इंटरेस्टिंग। और ये हमारे पीछे चाय का बागान, काफ़ी सुंदर, यहाँ हमें थोड़ी सी शेड मिल गई तो हमने गाड़ी रोक ली, और अब एकदम सामने में पहाड़ है, ये रोड है जिससे हमें जाना है। आप उधर देखो, उधर माउंटेन्स दिख रहे हैं, हल्के हल्के दिखने शुरू हो गए। सो अब लग रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट में आए हैं, मतलब जो हमने देखा था दार्जिलिंग वगैरह जैसा है वैसा लग रहा है, अभी तक तो लग नहीं रहा था, अब लग रहा है थोड़ा। चलिए अब तो हम एक्साइटेड हैं सामने पहाड़ देख के कि पहाड़ आएगा अच्छा वाला। ये बेबी बनाना खा रहा है, बड़ा सही है, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, चर चर चर, बस थोड़ी गाड़ियाँ आ रही है तो बीच में डिस्टर्बेंस आता है, अदरवाइज जब गाड़ी नहीं होती तो। हाँ अभी हमारा माइक शायद रोक रहा होगा, नॉइज़ फिल्टर कर रहा होगा, बट बड़ी सही आवाज़ आ रही है चिड़ियाओं की। कोई बाइक वाइक जाती है, गाड़ी जाती है तो थोड़ा शोर होता है, नहीं सुनाई देता, बट अदरवाइज अच्छा लगता है। कैसा है बनाना बेबी का, कुछ नाश्ता नहीं मिला बेबी आज, ट्रेजेडी हो गई। धोखा हो गया, धोखा। ओह बटरफ्लाइज, ये हमारा बेबी हंगरी है आज काफ़ी, वो कुक कर रहा है रास्ते भर में। अब इसको कुछ खिलाते हैं। और ये ढाबा है, छोटा सा रेस्टोरेंट, यहाँ हमने अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के लिए तीन अलग अलग चीज़ें मंगाई हैं। एक तो हमने अंडा ब्रेड मंगाया जो हमारा नॉर्मली खाने का मन था, एक हमने रोटी सब्ज़ी मंगाई बिकॉज यहाँ लोग रोटी सब्ज़ी खा रहे थे तो वो क्या है ट्राई करते हैं, अब नॉर्थ में आए तो रोटी खाना बनता है। और एक हम प्लेट हमने पराठे मंगाए बिकॉज नॉर्थ में आए और बिना पराठे खाए गए तो क्या खाया। तो चलिए अब यहाँ पे हम खाएंगे और देखते हैं, ठंडा दही मिलेगा तो एक दही भी मंगा लेंगे और खा पी के जाएंगे, आपको बताएंगे कितने का क्या है। इधर आप देख सकते हो हमारी साउथ इंडिया की गाड़ी, नॉर्थ इंडियन पहाड़ों के हिमालय के बेस पर खड़ी है, पीछे हिमालय है आगे गाड़ी है। चलिए पीछे मज़े से रिलैक्स कर रहे हैं। हेलो ओए, हेलो मत करो, नहीं वो अच्छा ऐसे खा लो। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, और ये है क्या था, ये रोटी सब्जी, और ये है पराठा। एक्चुअली पराठा के साथ भी सेम सब्जी दी है, मुझे आइडिया नहीं था कि पराठे के साथ भी सब्जी होती है। और उधर है बीबी का एग टोस्ट, ब्रेड ऑमलेट। सो चलिए ये खाते हैं फिर चलते हैं आगे, खा के बताते हैं आपको कैसा है। और ये हमारे खाने का बेस्ट ये है कि ये इसमें आया है, ब्रास प्लेट, कांस के बर्तन, क्या बोलते हैं, पीतल, हाँ पीतल बोलते हैं शायद, ब्रास है ये। और ये पहाड़ों में जनरली यूज़ होता है, वहाँ ऐसे बर्तनों में खाया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में भी स्पेशली इस एरिया में ये कल्चर है ऐसे खाने का। तो सही है बेबी, कैसा है तुम्हारा एग ऑमलेट, अच्छा है, थम्स अप है, ओके चलो। खाना काफ़ी सही है, ये चने की दाल एकदम हमारे घर जैसी है, जैसे घर पे बनाते हैं। दाल नहीं है, चने हैं, काले चने। हाँ मतलब काला चना थोड़ा सा ग्रेवी में, बहुत मज़ेदार है। थोड़ा आलू भी डाला है और प्याज वगैरह डाला है, काफ़ी मज़ेदार है। और मैंने अभी रोटी खाया, एक बाइट पराठा भी खाया, बहुत सही है, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। ये टेस्ट एकदम बैलेंस्ड है, ना नमक ज़्यादा है ना मिर्च ज़्यादा है, और एकदम घर में जैसा होता है वैसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि हम बाहर खा रहे हैं। मेरा प्रोटीन है। और सामने यहाँ पे बेबी ने देख सकता पांडा ब्रेड ख़त्म भी कर लिया, वाइफ खा रही है। और ये जगह का नाम है गारीधुरा, वहाँ एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है गारीधुरा दार्जिलिंग, से हम गारीधुरा में मिरिक की साइड जा रहे हैं। मेरे प्रोटीन लिया था, बेबी ने एक खाया, प्रोटीन था आप दोनों ने, हाँ हमारे रोटी में ग्रेन्स है, यस यस। ये खाने के लिए हम इधर आए, ये वाला बोर्ड जो है अतिथि रेस्टोरेंट गरीधुरा बाज़ार, और ये एकदम पड़ता है मेन रोड पे, ये है सिलीगुड़ी से मिरिक जाने वाली रोड, सामने हम इधर से आए, इधर में सिलीगुड़ी है और हम इधर जाएंगे, इधर मिरिक है, और इसी रोड एकदम यहीं पे रेस्टोरेंट है। आप देख सकते हो मेरा वाइफ बेटा खा रहे हैं, गाड़ी खड़ी है, मज़ा आया, खाना बहुत टेस्टी था, हमें उम्मीद नहीं थी जगह देख के, ऐसे कोई खास लोग थे नहीं, बट खाना बहुत अच्छा निकला। जनरली क्या होता है जहाँ भीड़ होती है वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है, बट ये खाली था बट काफ़ी अच्छा था। ये देखो आप, हमने सब चटाचट कर लिया, खाना बहुत अच्छा था।
लेफ्ट मार लिया है ये बाजार से जहाँ आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू मिरिक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA मिरिक 29 किलोमीटर दार्जिलिंग 67। सो यहाँ पे गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या फंडा है कि जो नॉर्थ बंगाल है यहाँ पे GTA अपना एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करता है, मतलब ऑब्वियसली सरकार ममता बनर्जी की ही है, TMC की है, बट इस एरिया को थोड़ी ऑटोनोमी दी गई है, कुछ ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं कि मतलब वो खुद कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं विदाउट रिलाइंग ऑन मतलब स्टेट गवर्नमेंट, इवन दो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करता है। सो इस एरिया को गोरखालैंड टेरिटोरियल GTA एडमिनिस्ट्रेटिव शन का एरिया माना जाता है। और अब आप सामने देख सकते हो नज़ारे एकदम बदल गए हैं, पतली सी रोड हो गई है, दोनों साइड हरा भरा है, एकदम चाय के बागान है, एकदम हरे भरे थोड़े थोड़े जंगल जैसे हैं, और हम जा रहे हैं मिरिक की ओर, और होपफुली रास्ता ऐसे ही सुनहरा बना रहेगा और हम आपको दिखाते जाएंगे। देखो यहाँ नीचे जाने का ऑप्शन है, खोलो नेपाल में ऐसा लग रहा है कि फ्लड हो रहा है वहाँ से। वाओ बड़ा अच्छा है, बट नीचे जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा, ये तो BSF का है इधर। ओ यहाँ तो फायरिंग कर रहे हैं, वो देखो बेबी फायरिंग कर रहे हैं, वो देखो गन्स फायरिंग कर रहे हैं इधर, वो देखो आर्मी वाले फायरिंग कर रहे हैं, देखा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा इसलिए इस साइड नहीं जा सकते होंगे ना। ओ वाओ वो कोई बोल रहा था ना हमें कि आपको फायरिंग करते हुए दिखेंगे, छूट भी नहीं करें। मुक्ति खोला मिनी वाटरफॉल ढूंढते हुए जा रहे हैं। अब क्या नदी है साइड में देखो, पहाड़ की कितना सफेद पानी बह रहा है, हमारा बड़ा मन कर रहा है नीचे जाने का। यही अभी हाँ यही कहीं वाटरफॉल बना रहा होगा शायद। चलिए थोड़ा ढूंढते हैं कहीं पे गाड़ी रोकने लायक जगह ढूंढ के थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे नदी में जाके। और ये हमारा मिनी वाटरफॉल आ गया, मिनी वाटरफॉल बटरफ्लाईज है यहाँ पे, सही है, ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं आते इधर, अच्छा लग रहा है, कैसे सफ़ेद सफ़ेद पानी गिर रहा है बेबी, देखा। चलो आगे चलते हैं, आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं। और ये हम तीनों वाटरफॉल में आ गए हैं, क्या शोर है वाटरफॉल का, ये मिनी वाटरफॉल लिखा है तो यहाँ पे मेजर वाटरफॉल क्या होता होगा, हमको तो मेजर ही लग रहा है, हमारे हिसाब से तो अच्छा ही लग रहा है। ओ वहाँ से पानी आ रहा है, सफ़ेद सफ़ेद पानी है, पानी ठंडा है, बेस्ट चीज़, ठंडा लगा बेबी को नहीं। अभी तो वो कर रहा था ठंडा लगा बोल के, बड़ा सही है, यहीं थोड़ा बैठने का जुगाड़ करते हैं, थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, फिर आगे नदी में भी एक्सप्लोर करने जाएंगे, मज़ा आया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब धुआं तो नहीं है, हम सिगरेट नहीं पीते, बट फीलिंग पूरी वही वाली आ रही है पीछे वाटरफॉल देख के, बड़ा सही है। मिनी वाटरफॉल लिखा था, दौड़ते हुए हम आए, कोई भी नहीं है, आप सामने देखो कोई भी नहीं है, वहाँ देखो कितना बड़ा मकड़ा है, मकड़ा बहुत बड़ा है, ओ वहाँ पे मेरे हाथ जितने साइज का है, और आप सामने देखो कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं, सही है। अब हम रिवर जाएंगे तो रिवर पे जाने का ट्राई मारते हैं। ये हमने वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी और वहाँ से रोड है छोटी सी जो नदी में जा रही है, सो यही रोड फॉलो करते हैं हम जा रहे हैं। हम नदी में जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे काफ़ी देर से, मिल नहीं रहा था, बट यहाँ लग रहा है कि शायद होगा जाने का, अभी भी गारंटी नहीं है बट लग रहा है, देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। हम रिवर में आ गए हैं, वहाँ से चल के ट्रैक करके बाप बेटे रिवर में हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, वाओ कितना ब्यूटीफुल है, पूरा चारों ओर हरियाली हरियाली है आप देख सकते हैं, और बीच में लंबी सी रिवर है, यहाँ पे पानी भी अच्छा है, फ्लो बहुत अच्छा ही है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, यहाँ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करना और पानी में इंजॉय करना, स्विमिंग करना बहुत अच्छा है करने के लिए, बहुत सही है, बहुत सही है, क्या पीसफुल लग रहा है, कोई शोर शराबा नहीं है, गाड़ी की आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है,
चिड़ियों की आवाज़ है और ये पानी का फ्लो है, पानी की आवाज़ आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बेबी स्विमिंग कर रहा है। वैसे उसको स्विमिंग आता है या पानी जो है ऊपर से फ्लो कर रहा है ना, तो हमें उसका हाथ छोड़ने में डर लग रहा है कहीं पानी नीचे ना ले जाए उसको, इसलिए होल्ड कर रखा है, अदरवाइज उसको आती है स्विमिंग। ओहो इतना दूर। और ये मैं आ गया हूँ, हम लोग आ गए नीचे, वो नदी में थे हम जहाँ हम स्विमिंग कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे। अब वहाँ से हम ये अपनी गाड़ी में वापस आ गए और अब हम मिरिक जा रहे हैं, मिरिक लेक वगैरह घूमेंगे और फिर शाम को सिलीगुड़ी होटल वापस आएंगे। सो चलिए चलते हैं मिरिक। तो हम मिरिक की साइड जा रहे हैं, हम बीच में थोड़ा वाटरफॉल नदी घूमने के लिए बीच में एक जगह रुके थे, क्या था, दुधवा, आई थिंक दुधवा नाम था उस जगह का, हम वहाँ रुके थे। अभी हम मिरिक की ओर जा रहे हैं और क्या मज़ेदार रोड है, पहाड़ वाली एकदम, मतलब हिमालय मज़ेदार। और यहाँ पे आर्मी के ट्रक्स आते रहते हैं, सो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलाना पड़ता है बिकॉज ये बॉर्डर एरिया है पूरा, काफ़ी आ रही है ट्रक्स। तो ये रास्ते के बीच में ऐसे इन्होंने ये बनाया हुआ है, गाड़ी धोने का बड़ा मन कर रहा है देख के, बट टाइम नहीं हमारे पास, इसके नीचे गाड़ी रख दे तो थोड़ी देर खुद ही धो जाती। बट चलिए, यहाँ पे शोर आ रहा है फायरिंग का, आई थिंक यहाँ पे किसी ने बताया था BSF प्रैक्टिस करते हैं, SSB वाले फायरिंग। नीचे वो है, क्या है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ थोड़ा थोड़ा नीचे वो है, फायरिंग रेंज है, तो वहाँ से ठक 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 गोलियों की आवाज़ आ रही है। बेबी को आ रही है, हाँ ये बुलेट्स हैं, बुलेट्स हो गया अब चलो चलो बस तुम्हें दिख। ये हमारा मिरिक जाने का प्लान थोड़ा फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है, आगे हड़ताल है, रोड पे लोग खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, वीडियो तो हमने नहीं बनाया, हमें थोड़ा सेफ नहीं लगा बनाना, बट हम वो गाड़ी जाने नहीं दे रहे, वहीं से हम लौट गए। वो कह रहे कोई दूसरा रास्ता है नीचे से मिरिक जाने का, बट चलिए हमें इतना कोई मिरिक का क्रेज़ नहीं है, हम तो ऐसे पहाड़ घूमने आए थे, पहाड़ हमें दिख गए। थोड़ा खाने वाने का देखते हैं, कहीं पे मिलेगा तो खाना खा लेते हैं, और कहीं थोड़ा अच्छा व्यू कहीं मिलेगा तो कुछ व्यू के साथ खाना मिलेगा तो वही ढूंढते हैं, और फिर देखते हैं अब वहाँ मिरिक शायद ना पहुँच पाए, थोड़ा देखते हैं कहीं पे रोक के हम थोड़ा लोकेशन ढूंढते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। बट हाँ, ये जो मेन रास्ता है मिरिक का, दो रास्ते हैं, एक दार्जिलिंग जाने वाला मेन रास्ता है जो दार्जिलिंग जाता है, एक मिरिक होके दार्जिलिंग जाता है। तो ये हम मिरिक होके दार्जिलिंग वाले रास्ते पे थे और हमने सोचा था मिरिक से हम वापस आ जाएंगे, तो मिरिक तो बंद है, ये पशुपतिनाथ बॉर्डर पड़ता है नेपाल का, इधर ऐसे कुछ नाम है उस जगह का, सो ये तो बंद है, सो यहाँ से हम वापस आ गए। अब यहीं पे थोड़ा पहाड़ वहाड़ में थोड़ा सीनिक व्यूज़ वगैरह लेते हैं, खाना ढूंढते हैं, और अगर मिरिक का रास्ता समझ आएगा तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अब ये अब हमने थोड़ा अल्टरनेट रास्ता निकाला है मिरिक का। अब मिरिक क्या है कि यहाँ से तो अब आधा घंटा ही था मिरिक, बट एक दूसरा घुमा हुआ रास्ता है, ऐसे 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 करके जा रहे हैं, जो मैंने फ़ोन पे निकाला है ये बता रहा है 1 घंटे में पहुँचाएगा। सो अब आज हमारे पास थोड़ा टाइम भी है और पहाड़ इन्जॉय भी कर रहे हैं, तो चलिए ट्राई मारते हैं, पता नहीं जा पाएंगे या नहीं, बट मिरिक के लिए दोबारा नया रास्ता लगा के हम ट्राई करेंगे। ये मिरिक का तो प्लान फ्लॉप हो गया, बट हम इधर आए हैं, ओ देखो अब नीचे मदेस, मतलब प्लेन्स दिख रहे हैं, ओ वहाँ पे वो शहर होगा आई थिंक, सिलीगुड़ी जाने वाले रास्ते का शहर, और नीचे नदी की आवाज़ आ रही है बड़ी तेज़, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ नेपाली में क्या बोलते, खोलो बह रहा है, नदी बह रही है, एकदम शोर आ रहा है उसका बड़ा सही, और पूरे बैम्बू के जंगल हैं यहाँ, काफ़ी सही है। और अब हमें लग रहा है हम नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि बारिश हो रही है, बट लकीली इतनी तेज़ नहीं हो रही, जस्ट हल्की हल्की हो रही है, बट हो रही है।
और वो जो पहाड़ों की सुगंध में महक होती है वो आ रही है मिट्टी से, काफ़ी सही है। चलिए ऐसे ब्रेक लिया, अब देखते हैं क्या करें, समझ नहीं आ रहा। पानी का सोर्स दिखा चाय बागान के बीच में, तो हमने सोचा चाय बागान भी देखेंगे और ये थोड़ा ब्रेक्स में पानी भी डाल देंगे। ये हमारी ब्रेक्स गर्म हो गई होंगी, ये पीने का नहीं है बेबी, पीने का नहीं, पियेंगे नहीं, थोड़ा गाड़ी की ब्रेक्स में डालेंगे ताकि ब्रेक्स गर्म होंगी तो ठंडी हो जाएंगी, देखते हैं। ओ बाप रे, धुआं निकला। एक बार ट्राई करना है मुझे। ये देखो धुआं निकला, गर्म थी ब्रेक। हाँ डालो, तुम डाली जगह पे नहीं रहे हो, यहाँ डाल, ये देखो डालता हूँ, गर्म थी ब्रेक। अभी हम पानी डाल के ब्रेक ठंडा कर रहे थे, मुझे लगता था वो सही तरीका, बिकॉज मैंने एक वीडियो में देखा था किसी बंदे को, जब उससे ये ब्रेक्स फेल हो रही थी तो बार बार उन्हें ठंडा करके थोड़ा थोड़ा चला रहा था, तो मुझे लगा शायद वो सही चीज़ होती होगी। बट अभी एक ट्रक वाले भैया रुके, मतलब मिनी ट्रक वाले, वो हमारे साइड में थे, तो उन्होंने बोला ऐसा मत करो बिकॉज अभी तुम्हारी ब्रेक गर्म है और वो अपने आप ही ठंडी हो जाएगी, नेचुरली उसे ठंडा होने दो, पानी मत दो अदरवाइज ज़्यादा घिस जाएगी। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे आज पता लगा। मैंने तो किसी को देखा था तो मैं कर रहा था, मुझे लग रहा था वो सही होता है, बट ये ट्रक वाले ने बोला तो मतलब सही चीज़ होगी, नहीं करना चाहिए होगा। सो ये आपको अगर पता है तो कमेंट्स में बताएं ये सही है या गलत, अगर आपकी ब्रेक्स गर्म है तो उन्हें पानी दे के ठंडा करना चाहिए या नेचुरली ठंडा देने होने के लिए वेट करनी चाहिए। ये भैया ने तो बोला अगर ऐसे पानी दे के करोगे तो ज़्यादा घिस जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। सो चलिए अब आगे आप नज़ारे देखो, क्या नज़ारे हैं, क्या पहाड़ हैं, मज़ेदार। बट आगे तो हमें जाने नहीं दिया। सो अब हम जा रहे हैं वापस नीचे सिलीगुड़ी की ओर, अब लंच करना है, कहीं पे बढ़िया सा नेपाली थाली मिलेगा तो चिकन राइस खाएंगे बैठ के, दाल। चलिए देखते हैं कहाँ मिलता है। ये हम लोकल ढाबे पे रुके और यहाँ पे ऐसे पापड़ मिलते हैं, तो ये पापड़ मिला, ये अचार मिला, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, इसमें जो आपको मिर्च दिख रही है इसे डल्ले खुरसानी बोलते हैं, इस रीजन की स्पेशलिटी है, बहुत तीखी होती है। चलिए हमारा राइस भी आ गया, हमारा थाल आ गया, अब ये हमारा फिश भी आ गया, ये फिश है, क्या मज़ेदार कलर है इसका देखिए, और ये है चिकन, ये भी बड़ा सही लग रहा है। बेबी फिश खाएगा चिकन खाएगा? अच्छा चलो ठीक है, दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेना। ये मैं कुछ इंटरेस्टिंग ट्राई करने वाला हूँ, ये मैंने चिकन झोल डाला और मेरी बड़ी सालों से तमन्ना थी डल्ले खुरसानी खाने का, तो थोड़ा सा डल्ले लेंगे फिर चिकन खाएंगे। अब देखते हैं क्या होगा। ओहो मज़ा आया, मज़ा, क्या फ्लेवर है, आ हाँ, ये हम ले जाएंगे हैदराबाद वापस, मतलब सिलीगुड़ी में ख़रीदेंगे हाफ के जी टाइप, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार। चलिए खाते हैं। ये अब मेरा हो गया, ये फिश करी थोड़ा सा बचा था मैं वही ख़त्म कर रहा था। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया चिकन करी में, क्योंकि उसमें थोड़ा वो था कंट्री टाइप फ्लेवर था, बिकॉज वो स्किन से बना था, मतलब उसके करी में पूरा अच्छे से चिकन का फ्लेवर आ रहा था। बेबी ने भी सबसे ज़्यादा वही खाया और फिश करी भी ठीक था, बट हमें चिकन में ज़्यादा मज़ा आया। अब ये ख़त्म कर दें और बिलिंग कराते हैं फिर चलते हैं। ये हमारा लंच हो गया, ये हमने इधर किया, क्या है ये देवान होटल, वो वाला ब्लू कलर वाला पीछे, वहाँ से हम खा के आए और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो ये लगता है कोई कॉमन स्पॉट है जहाँ लोग खाना खाने के लिए रुकते हैं। और इसका मार्कर ये है कि ये एकदम इस पुल के सामने है, सिलीगुड़ी से क्या बोलते हैं मिरिक जाते हुए बड़ा सा पुल आता है, इसके एकदम सामने है ये, और हमने भी गाड़ी यहीं खड़ी करी है। यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए, और ये एकदम नदी के साइड में है। अब हमने खाना वाना खा लिया, अब हम जा रहे हैं होटल और रास्ते में देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और होगा तो करेंगे खाएंगे। ये हम जा रहे हैं ब्रिज पार करते हुए सिलीगुड़ी की ओर, बहुत अच्छी नदी है ये, कौन सी नदी है, तीस्ता है शायद, अभी मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट काफ़ी सही है। अभी यही पार कर रहे हैं हम ब्रिज, ये पतला ब्रिज है, एक ही गाड़ी निकल सकती है एक टाइम पे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने आगे रेड लाइट टाइप लगाई हुई है, उससे देख के लोग आते हैं और सही है लोग लुक जाते हैं,
चलिए ब्रिज पार हो गया, अब चलते हैं सिलीगुड़ी की ओर। ये आप देखो कितना सही है, पूरा हरा भरा जंगल है पीछे, क्या हरियाली है। थोड़ा लोगों ने कूड़ा फेंका है तो मतलब थोड़ा बेकार लग रहा है शुरू में, पर अंदर आप देखो क्या हरियाली है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है। इस साइड ऐसा है और मेरे दूसरी साइड पहाड़ है, मतलब बेस दिख रहा होगा आपको हिमालय का बेस। और बेस्ट ये है कि अब ये पहाड़ ख़त्म हो गया, मतलब हम पहाड़ चढ़ के नीचे आ गए, अब रास्ता प्लेन ही होने वाला है। और यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है, ये आप देख सकते हो छोटा सा रास्ता है, जंगल और खेतों के बीच से जा रहा है। और आप देखो इतने बड़े बड़े पेड़ है, पूरा शेड है रास्ते में, कहीं पे भी धूप नहीं आ रही। धूप आपको वो आगे दिख रही होगी, वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे पेड़ इतने बड़े हैं और सन यहाँ पे एकदम हमारे ऊपर है, तो पूरी छाया आ रही है इनकी, काफ़ी सही है। बहुत बड़े बड़े पेड़, अच्छी खासी रोड और हम मज़े से यहाँ खड़े हैं। चलिए अब हम भी चलते हैं। ये आप देखो कितना अच्छा पंडाल बन रहा है, चंद्रयान 3 दर्शाता हुआ जय हिंद जय हिंद भारत, सही लग रहा है। ये दुर्गा पूजा पंडाल है, पता नहीं कब से दुर्गा पूजा शुरू होती है, हम पूरे रास्ते आए हैं, हर जगह हमने पंडाल बनते हुए देखा बट पूजा होते हुए नहीं देखी। चलिए चल, ये हम बंगाल में आए तो हम बंगाली स्वीट्स खा रहे हैं, यहाँ पे स्वीट शॉप में रुके थे हम, इसका नाम था मधुबन स्वीट शॉप आई थिंक, ऐसे कुछ नाम था, देख के बताते हैं आपको, मधुबन स्वीट्स एंड बेकरी, यहाँ पे रुके थे हम रास्ते में। मतलब मिरिक रोड से अगर आप सिलीगुड़ी की साइड जाओगे तो ये आता है, हमारे होटल से ऑलमोस्ट 15-17 किलोमीटर दूर है, तो यहीं पे हम रुके थे। थोड़े से स्नैक्स खाए हमने, थोड़ा सा रसगुल्ला पार्सल कराया, अभी भी कुछ चाय के साथ खाने के लिए नहीं मिला, अभी रास्ते में देखते हैं कुछ चाय के साथ खाने के लिए लेंगे होटल जाके खाने के लिए।